वेरी वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों उम्मीद है कि आप बेहतर स्वस्थ और जबरदस्त होंगे तो आइए भैया सभी लोगों का स्वागत है एम डी क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे और मैं अभिषेक लेके चल रहा हूँ साइंस के प्रैक्टिस सेट थर्ड के तरफ जहां पर हम लोग उम्मीद बैच के तहत रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट की तैयारी करने वाले सारे स्टूडेंट्स को और टेक्नीशियन की तैयारी करने वाले सारे स्टूडेंट्स को एक नई उम्मीद की तरफ लेके जा रहे ठीक ना एक नई उम्मीद की तरफ लेके जा रहे चलिए बोलिए बहुत बढ़िया भैया आज की क्लास में मुझे दिखाई दे रहे हैं कुछ ऐसे योद्धा जैसे राम आधार जी हैं अजीत जी हैं हारून हैं, सभी लोगों को खेमचंद्र है सभी लोगों का स्वागत है भाई आज की क्लास में ओके okay. हाँ भैया वंदे भारत बैच की तैयारी करने वाले सारे स्टूडेंट्स को ये बताना चाह रहे थे कि ये जो टाइम टेबल है आठ बजे सुबह साइंस का ग्यारह बजे जीएस जीके का बारह बजे मैथ का और चार बजे रीजनिंग का ठीक है और इसके जस्ट बाद आपका जो पहला क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को देखते समय छह यहां से क्लियर होते हैं पहला ये पूछा हुआ है कि भैया किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं भैया क्या कहेंगे किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को एकांक समय में यानी नीचे समय है ऊपर दूरी है क्या कहेंगे तीन परिभाषाएं याद रखिएगा एक चाल की परिभाषा एक वेग की परिभाषा और तीसरा त्वरण की परिभाषा परिभाषा बहुत आसान बनती है एकांक एक समय में चली गई दूरी यानी एकांक समय में चली गई दूरी जब पूछेगा ना एकांक एक समय में चली गई दूरी तो जब दूरी कहेगा तो चाल होगा और जब विस्थापन कहेगा तो वेग होगा और जब वेग कहेगा तो त्वरण होगा ये तीनों परिभाषा याद रखिएगा यानी किसी भी वस्तु द्वारा एकांक समय में यानी प्रति सेकंड में चली गई जो दूरी होती है जो डिस्टेंस होता है जो दूरी होती है इसी को हम क्या कहते हैं चाल कहते हैं और चाल की यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकेंड विलास्टी की भी यूनिट सेम होती है लेकिन विलास्टी क्या है एकांक समय में तय की गई विस्थापन को वेग वे कहते हैं त्वरण क्या है तो एकांक समय में तय किया गया वेग परिवर्तन जो है वही त्वरण है और याद रखिएगा जब भी वेग का परिवर्तन होता है वेलास्टी अगर इंक्रीज कर रही है तो त्वरण पॉजिटिव होता है अगर वेलास्टी डिक्रीज कर रही है तो त्वरण आपका नेगेटिव होता है यानी पॉजिटिव त्वरण में वेलास्टी इंक्रीज करती है और नेगेटिव त्वरण में वेलास्टी डिक्रीज करती है चलिए दूसरा क्वेश्चन पूछा है यूनिफॉर्म बॉडी यानी एक ऐसे वस्तु के बारे में कह रहा है कि जिस वस्तु का एक समान गति है यानी जहां पे चाल फिक्स है भैया क्या होगा डज नॉट एक्सेलरेट क्या एक्सेलरेशन नहीं करेगा या त्वरित हो सकता है हमेशा त्वरित हो सकता है या एक समान वेग से जाएगा एक समान गति वाला देखिए यहां पर तो दो आंसर जहां तक मुझे दिख रहा है जब भी यूनिफॉर्म वेलासिटी की बात करते हैं तो यूनिफॉर्म वेलासिटी यानी जहां पर एक समान वेग होता है एक समान वेग वाले वस्तु के बारे में अगर हम बात करें तो परिभाषा आपको याद होगा वेग परिवर्तन बटा समय यानी चेंज इन वेलासिटी अपॉन टाइम को क्या कहते हैं एक्सल्रेशन आज जब भैया वेग में परिवर्तन नहीं होगा तो त्वरण काहे का, का यानी त्वरण यहां पर क्या होगा जीरो तो त्वरित नहीं होता है बिल्कुल ये ऑप्शन भी सही है त्वरित नहीं होता है बिल्कुल ही ऑप्शन सही है जब भी एक समान गति होगी वेग फिक्स होगा उस समय वस्तु के पास त्वरण नहीं होगा त्वरण क्या होगा जीरो लेकिन यहां पर यह भी मामला जो है एक तरह से फंसा के रख दिया है क्योंकि वेलास्टी भी सेम होगी और यह भी इसका सही जवाब होगा दोनों इसमें सही जवाब है मेरा मेरे हिसाब से इसके दो सही जवाब हैं मोशन टॉपिक में एक बात याद रखिएगा अगर कोई वस्तु के पास जितनी पहले गति थी उतनी ही बाद में गति है यानी एक समान वेग है तो त्वरण क्या होगा जीरो और उसकी वेलास्टी क्या होगी तो पहली वाली वालास्टी के जैसे तो इसलिए इसका दोनों आंसर मेरे हिसाब से सही है ठीक है यहां पर थोड़ा सा एक मिस्टेक आया हुआ है क्वेश्चन में बाकी सब चीजें क्लियर है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रोलर कोस्टर की बात कह रहा है मेरे योद्धाओं थोड़ा सा तोड़ के रख दो तेले बता दो रोलर कोस्टर की सवारी कौन सा बल कार्य करता है सवारी में भैया सेंट्री फ्यूगल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं केंद्रीय बल अभिकेंद्रीय बल गुरुत्वी बल और अभिलंब बल कौन सा बल कार्य करेगा रोलर कोस्टर जिंदगी भी एक रोलर कोस्टर हो जाती है दोस्तों आप जानते हैं कभी उपतार कभी चढ़ाव कभी गोल घूमना है कहते भी हैं ये जीवन क्या है निर्जर है मस्ती ही इसका पानी है सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा मनमानी है तो वही बात है सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं मुस्कुराते चलना है प्रियम बाबू कुलदीप जी हारू नवीन क्या होगा इसका सही जवाब सेंट्रीपिटल होगा न कि सेंट्रीफ्यूगल होगा अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा ना तो जैसे दही से घी मक्खन निकाल लिया जाता है वैसे ही आप जिंदगी से निकाल दिए जाएंगे ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से हम मक् खन निकालते हैं हम घी निकालते हैं लेकिन यहां पे जीवन में ना आप बधे रहते हैं एक ए, कहते हैं ना कि पता नहीं यार गाना भी मुझको नहीं याद आता है यहां पे देखो हां टूटे ना जीवन की डोर मितवा ऐसा ही कुछ गाना है तो ये देखिएगा केंद्र की ओर जो बल लगता है ना उसी को अभिकेंद्र बल कहते हैं और अभिकेंद्र बल का फॉर्मूला होता है एम वी स्क्वायर अपन आर एफ इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपन आर या एम ओ मेगा स्क्वायर इन आर तो ये ध्यान दीजिएगा ये आपका अभिकेंद्र बल का फॉर्मूला है तो रोलर कोस्टर की सवारी में कौन सा बल कार्य करता है सेंट्रिपिटल फोर्स भैया बिल्कुल बहादुर जी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक निश्चित ताप तार का प्रतिरोध किसी तार का प्रतिरोध कितना दिया है आर दिया है कह रहा है एक तार का प्रतिरोध कितना है आर है भैया आर है बहुत अच्छी बात है कह रहा है एक दूसरा तार पर प्रतिरोध जो पहले तार के समान है भाई दुख समान हो गया ऐसा होता है ना जब दोनों लोगों का दुख समान होता है तो लोग कहते हैं भैया तुम मेरे कंधे पे रो लो हम तुम्हारे कंधे पे रो लेते हैं तो जैसे दोनों तार की क्वालिटी सेम है लेकिन कह रहा है कि दूसरे तार का व्यास पहले तार के तुलना में दो गुना है अजीत जी बी कह रहे हैं खेमचंद्र बी कह रहे हैं आर बाई टू मोनू रायल का कहना है परवेज आलम आर बाई फोर कह रहे हैं आइए देखते हैं जीवन में यहां पे कौन सा दुख आया भैया एरिया का फॉर्मूला होता है पाईआर स्क्वायर और आर को आप क्या लिखते हैं पाईआर स्क्वायर में यहां पे आर के जगह पे आप डी बाई टू कर देते हैं रेडियस है रेडियस व्यास का आधा होता है तो यहां पर अगर आप देखें आर का तुलना अगर डी के साथ करें तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कह रहा है कि व्यास को दोगुना कर दिया गया है यानी आर टू का मान क्या हो जाएगा भैया तो टू डी का होल स्क्वायर करेंगे यानी वन अपान फोर डी आ जाएगा इसका मतलब है कि आर बाई फोर इसका सही जवाब होगा और मोनू रायल यहां पे रमाशंकर हाँ आविद अख्तर जी बिल्कुल सही है इसका सही जवाब जो है ए है न कि बी है तो जिन लोगों ने बी किया है आर फोर होगा, चार गुना नहीं होगा, एक बटा चार गुना होगा अंतर है और यही गलती जो होती है ना हाथ से मंजिल को छीन लेती है जीवन छीन लेता है भाई थोड़ा सा ध्यान से करना ये साइंस है बचता नहीं है कुछ हाथ में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रासायनिक हाँ कौन से विकल्प रासायनिक परिवर्तन है आप जानते हैं ना भैया राजेश जी कि रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है हो, नया उत्पाद बनता है नया कंपाउंड बनता है चीनी का पानी में घुलना बाद में पानी से चीनी को अलग कर सकते हैं भौतिक परिवर्तन है रेत का पानी में घुलना पानी और रेत को अलग कर सकते हैं भौतिक परिवर्तन है दूध का दही में परिवर्तन दूध में लैक्टोजन होता है और दही में लैक्टिक एसिड होता है भैया भैया बदनाम कुमार जी कुलदीप चंदन क्या होगा सी होगा था शुष्क बर्फ का उस उर्दुपातन बर्फ को सीधा डायरेक्ट कन्वर्ट कर दिया गया भाप में वास्तव में यहां पर क्या होगा केमिकल चेंज सी होगा और बिल्कुल योद्धाओं ने तोड़ के रख दिया है इसका सही जवाब बिल्कुल सी है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ परमाणु का कौन सा मौलिक कण रासायनिक बंध में भाग लेता है आप जानते हैं केमिकल बॉन्ड जब भी फॉर्मेशन होता है तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है कि प्रोटॉन की शेयरिंग होती है कि न्यूट्रॉन की शेयरिंग होती है किसकी शेयरिंग होती है एक बार में सभी को जवाब देना है इसका सही जवाब क्या है आप जानते हैं भैया जो परमाणु होता है जो एटम होता है उस एटम के बारे में अगर हम बात करें तो एटम के पास दो तरह के कण होते हैं एक अस्थायी कण होता है और जीवन में जब भी अस्थायित्व की बात आएगी ना तो कलम पकड़ना पड़ेगा क्योंकि इतिहास यही लिखता है पेन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन यही मूल कण हैं और अस्थायी कण की जब बात करेगा ना तो मेसान एंटी प्रोटॉन और पॉजिट्रॉन याद रखिएगा अस्थाई कण प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन और अस्थाई कड़ मेसान पॉजिट्रॉन और जब भी रासायनिक गुण की बात कहे केमिकल बॉन्ड की बात कहे तो आपको एक बात ध्यान में रखना है इलेक्ट्रॉन होगा और आप जानते हैं तीन तरह के केमिकल बॉन्ड होते हैं थोड़ा एक बार कमेंट सेक्शन में लिख के बता दो कि भैया कौन कौन तरह के मुख्य केमिकल बॉन्ड है पहला केमिकल बॉन्ड जो है आयनिक बॉन्ड होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है आयनिक बंद होता है शेयरिंग होती है कि इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है बताओ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा आयनिक बंध में धातु और अधातु के बीच में बंध होगा। होगा। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर और और के के बीच बीच में धातु अधातु, बंध धातु और अधातु के बीच में होता है एक सवाल पूछता है कि जवाब आना चाहिए क्योंकि सहसोजक बंध में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग किसमें होती है ती इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है सहसंयोजक बंध में और एचसीएल लगातार सवाल पूछा गया है एचसीएल में यह होता है ऐसे ही तीसरा होता है उपसहसंयोजक बंध और उपसहसंयोजक बंध के बारे में जब बात करता है तो आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन युग्म का डोनेशन किया जाता है तो यहां पर यह मामला है चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह पूछा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा कथन द्रव विलन के लिए सही है आपको बताना है बिलियन क्या होता है कहते हैं जहां दो आत्माएं इस कदर मिले कि एक नजर आए यानी विले और विलायक जब मिलकर एक हो जाता है तो बिलाय बिलियन बनता है और बिलियन आपको पता है होमोजीनियस मिक्सर होता है बिल्कुल भैया क्या होने वाला है परवेज प्रियम रवि हाँ बिल्कुल भैया क्या बनेगा द्रव बिलियन की बात किया है। आप जानते बिलियन में दो चीजें मिलती हैं विलय और विलायक भैया विलय की मात्रा कम होती है विलायक की मात्रा ज्यादा होती है विलय कम है विलायक ज्यादा है दोनों आपस में मिलेगा तो विलियन बनेगा इंग्लिश वाले मेरे दोस्त जानना चाह रहे होंगे इसको सॉल्यूशन कहते हैं मेरे दोस्त इसको सॉल्यूट कहते हैं और ये सॉल्वेंट होता है तो सॉल्यूट इज मिक्स इन एंड कन्वर्टेड इनटू सॉल्यूशन सॉल्यूशन मिक्सचर तो कह रहा है बिलियन एक या एक से अधिक घटक रखते हैं का मतलब यह होता है कि जिसको गर्म करने पर भाप में बदल, जाए। वा, भाप, में बदल जाए। विले हो सकता है बिल्कुल एल्कोहल होगा तो विलय वाष्पशील हो सकता है सामान्यतः द्रव विलायक वाष्पशील होते हैं यह भी बात सही है यहां पर डी ऑप्शन आपका सही जाएगा क्योंकि आल होगा यहां पे ठीक है चलिए भार का मात्रक न्यूटन होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है एक बच्चे ने सवाल पूछा है भार के लिए तो भार के बारे में याद रखिएगा मात्रक होता है किलोग्राम मीटर अपान सेकेंड स्क्वायर या इसका मात्रक न्यूटन होता है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन <laughs> ये क्वेश्चन है लाल तप्त तो लोहा है अच्छा लोहा आयरन आयरन का एटॉमिक नंबर छब्बीस होता है कह रहा है बहत्तर ग्राम जलवाष्प प्रवाहित करने पर एस पर हाइड्रोजन का आयतन प्राप्त होगा लाल तप्त लोहे पर बहत्तर ग्राम जलवाष्प है भैया जलवाष्प ध्यान से इस क्वेश्चन को करके बताइए वाटर की बात है और वाटर का एटॉमिक नंबर कितना होता है 18 होता है भैया एच टू ओ हाइड्रोजन का एक दो हाइड्रोजन दो और ऑक्सीजन का सोलह जोड़ देंगे होगा अठारह और यहाँ पे नंबर ऑफ मोल निकालते हैं कैसे निकालते हैं बहुत बार पढ़ाया है इसको गिवेन मास अपान मोलर मास गिवेन मास कितना दिया है जलवाष्प भैया बहत्तर ग्राम और नीचे अट्ठारह अठारह चौको बहत्तर नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर वेपर जलवाष्प के मोलों की कितनी हो गई चार हो गई अब भैया जब चार मोल जलवाष्प है तो पूछा है एस पर कितना हाइड्रोजन का आयतन प्राप्त होगा <coughs> बताइए। ये H2O है। इसको तोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा चार दुना आठ यानी चार मोल हाइड्रोजन मिलेगा और बाकी आपके पास दो मोल ऑक्सीजन मिलेगा यानी चार गुणे बाईस दशमलव चार गुड़ा करके बताइए कितना होता है एस पर एक मोल का आयतन होता है बाईस दसमल चार एस पर एक मोल का बाईस दसमौ चार गुड़ा कर लीजिएगा चार चौको सोलह का छाइस चौको अट्ठासी और एक नवासी यानी यहां पर आंसर आएगा नवासी में आया चार मोल है चार मोल मतलब बाईस चार में चार से गुड़ा कर देना है डायरेक्ट हो जाता बहत्तर बटा अठारह चार आया चार का गुड़ा कर देते बिल्कुल बिल्कुल समझ में आ चुका होगा यह सवाल चलिए फिर से एक बार और बता देते हैं भैया ध्यान से सुन लो मैंने ये कहा नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं गिवेन मास मोलर मास गिवेन मास मोलर मास चलो दो सवाल देते हैं जल्दी से थोड़ा करके दिखाओ गिवेन मास कितना है भैया मोलर मास कैसे निकालते हैं वाटर का मोलर मास कितना होगा थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में बताओ एच टू एसओ फोर का मोलर मास कितना होगा कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास कितना होगा एन का मोलर मास कितना होगा एसिटिक एसिड का मोलर मास कितना होगा ये सारे फॉर्मूले एलपी वालों याद रखना पड़ेगा चलो बताओ वाटर का मोलर मास कितना होगा हाइड्रोजन का मास एक होता है ऑक्सीजन का सोलह होता है और सल्फर का बत्तीस होता है कैल्शियम का चालीस होता है और <coughs> कार्बन का बारह होता है कार्बन का बारह होता है सोडियम का तेईस होता है चलो हाइड वाटर का निकालना है कितना होगा दो प्लस सोलह कितना हो गया अठारह इसका बताओ हाइड्रोजन का दो सल्फर का बत्तीस सोलह चौको चौसठ जोड़ दो कितना आ गया अंठानवे सल्फ्यूरिक एसिड का अंठानवे अजीत एकदम धुआं उड़ा दिए केमचंद्र बिल्कुल जबरदस्त भैया मोनू रायल जी जबरदस्त ऐसे ही कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम का चालीस कार्बन का बारह सोलहतियां अड़तालीस जोड़ दो हो गया शतक सेंचुरी लग गया भैया चालीस प्लस बारह प्लस अड़तालीस भैया एन सोडियम हाइड्रोक्साइड तेईस सोडियम का सोलह ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन जोड़ने पर हुआ चालीस कितना बना चालीस रट लिए बहुत बढ़िया एस्टिक एसिड कार्बन दो है बारह दूना चौबीस हाइड्रोजन चार है दो ऑक्सीजन बत्तीस जोड़ दो हो गया का होता है अगर यह निकालना सीख गए ना तो नंबर ऑफ मोल दहाड़ के करोगे धुआं उड़ा के करोगे और बिल्कुल पूरी तरह से तो जैसे आपको कभी भी नंबर ऑफ मोल का सवाल पूछ देना आपसे कह दे कि अस्सी ग्राम एन ने दिया है आपसे कह दे कि 600 ग्राम सीएसओ थ्री दिया है 490 ग्राम एच टू फोर दिया है मेरे दोस्त नंबर ऑफ मोल निकालना कितना आसान है एक बार आज थोड़ा सा बता दो MD क्लासेस के इस चैनल पे कि भैया कितना आसान तरीके से आप निकाल सकते हैं नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं गिवेन मास अपान मोलर मास गिवेन मास 80 है मोलर मास 40 है मास 600 है मोलर मास 100 है अभी निकाले हो ना गिवेन मास कितना है 490 है और मोलर मास कितना है 490 मोलर मास कितना अंठानवे यहां पर पांच आएगा यहां पर छ आएगा और यहां पर दो आएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए बताइए क्या होगा चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए क्या होगा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि थैलोफाइटा क्या पूछा हुआ है कि व्हाट आर द एग्जांपल्स थैलोफाइटा यानी यहां पर एग्जांपल्स पूछा है कि कौन सा थैलोफाइटा नहीं है अगर थैलोफाइटा का एग्जांपल आपको पता है तो आप याद कर सकते हैं कि कौन सा थैलोफाइटा नहीं है जैसे यूलोथोरिक्स ये थैलोफाइटा है यूलोथोरिक्स के अलावा स्पाइरो ये एक नाम याद रखिएगा स्पाइरो इसके अलावा क्लेडोफोरा क्लेडोफोरा याद रखिएगा फ्यूकस याद रखिएगा फ्यूकस के अलावा वालवाक्स याद रखिएगा अलवा हाँ और इसके अलावा कैरा याद रखिएगा <coughs> कैरा ये ध्यान से देख लीजिए यहाँ पे अलवा भी है यहां पर कैरा भी है ये दोनों हैं और यहां पर आप स्पाइरो यानी ये तीनों का तीनों क्या है तो थैलोफाइटा है ये तीनों थैलोफाइटा है कौन थैलोफाइटा नहीं है रिक्सिया थैलोफाइटा नहीं है रिक्सिया थैलोफाइटा नहीं है बिल्कुल और <coughs> एक सवाल आप जानते हैं कि भैया आर एच विटैकर साहब ने फाइव किंगडम सिस्टम दिया था फाइव किंगडम सिस्टम और फाइव किंगडम सिस्टम में क्या होता है सभी लोग बताएं एक बार फाइव किंगडम सिस्टम में पहले पे मोनेरा आता है बैक्टीरिया का समूह है दूसरे पर प्रोटिस्टा आता है और तीसरे पर क्या आता है थैलोफाइटा, चौथे पर क्या आता है भैया चौथा नाम बता दोगे चौथा और पांचवा प्लांटी और एनिमेलिया जंतुओं का समूह है और यहां पर पौधों का समूह है तो पौधों का और जंतुओं का समूह दोनों आ जाता है यह क्वेश्चन आपके सामने रखा हुआ है पूछा है कौन सा समूह जो है मैमेलियन ग्रुप से जुड़ा हुआ नहीं है प्राणी नहीं है, जिसके पास फेफड़ा होता है जिसके पास जो अपने बच्चे पैदा करता है बच्चों को दूध पिलाता है उसी को स्तनधारी बोलते हैं यह चार जवाब है और यह आप ही को इसका सही जवाब देना है हिपोपोटमस वेल एस्कोलोडियॉन है और कंगारू है भैया पूर्णिमा आ गई है बड़े दिन बाद नजर आई है चलिए जवाब देके जाइए आविद अख्तर जी बिल्कुल क्या होगा इसका सही जवाब जगन्नाथ जी सी होगा कि डी होगा कि बी होगा अच्छा हिप्पोपोटेमस होगा हिप्पोपोटेमस होगा या कंगारू <coughs> बताइए क्या होगा बिल्कुल जवाब देना है आज सबको देना है भैया चलिए ध्यान से सुनिएगा स्कोलियोडॉन जो होता है ये मैमल्स होते हैं ये क्या होते हैं भैया मैमल्स होते हैं और ये भी आप जानते हैं, ये भी मैमल्स होते हैं इमेच्योर हाँ इमेच्योर बेबी पैदा करते हैं इसीलिए इनके पेट में एक पाउच होता है बेबी पाउच होता है कंगारू रेट के पेच में पेट में जहां पर वो बच्चों को क्या करते हैं नर्चर करते हैं हैं और और सबसे सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा स्तनधारी स्तनधारी है 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 आप जानते हैं, इसके पास फेफड़ा होता है। सही जवाब सी जिन लोगों ने चुना है बिल्कुल सही है सलाम है भैया चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है कोशिका के बारे में भैया रवि बताइए हाँ क्या सही होगा सभी कोशिकाएं जीवित होती है ऑल सेल आर एलाइव कह रहा है कोशिकाओं का गुणन समसूत्री तथा अर्धसूत्री विभाजन से होता है सभी कोशिकाओं में केंद्रक होता है और कोशिकाएं जीव की संरचनात्मक इकाई होती है कौन सा कथन सही नहीं है यानी गलत कथन है तो भैया कोशिकाएं जीव की संरचनात्मक इकाई होती है क्या ये लाइन सही है तो बिल्कुल ये लाइन सही है इसके अलावा अगर हम कह रहे हैं सभी कोशिकाएं जीवित होती हैं क्या सभी कोशिका सभी कोशिकाएं जीवित होती हैं बताइए कोशिकाओं का गुणन समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन से होता है बिल्कुल सही है यह भी जवाब सही है भैया इसमें गलत कौन सा है सभी कोशिकाओं में केंद्रक आप जानते हैं आपने क्या पढ़ा है आरबीसी के बारे में लाल रक्त तो कोशिकाएं जो होती हैं इसमें नो न्यूक्लियस न्यूक्लियस नहीं होता है न्यूक्लियस इसमें नहीं पाए जाते हैं बिल्कुल तो इसका सही जवाब ये बनेगा चलिए अच्छा एक और बात अगर हम आपसे कह दे भैया एक सवाल पूछ ले कि डीएनए की संरचना की, हाँ डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसने की थी डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसने की थी थोड़ा जवाब दीजिए जल्दी से जवाब आना चाहिए और दूसरा सेल के नाभिक की खोज किसने की थी सेल के नाभिक की खोज किसने की थी भैया सेल के नाभिक की खोज और तीसरा जवाब आपको देना है कि भैया हां बिल्कुल जल्दी से वही तो बताए थे अच्छा डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसने की थी भाई वाटसन और क्रिक बिल्कुल सही जवाब है वाटसन और क्रिक ने की थी वाटसन एंड क्रिक ने की थी सेल के नाभिक की खोज किसने की है रॉबर्ट ब्राउन साहब ने की है किसने की है भैया रॉबर्ट ब्राउन ने की है और जीवित कोशिका की खोज किसने की है एंटोनी एंटोनीक और मृत कोशिका की खोज किसने की है तो रॉबर्ट हुक ने की है बहुत बढ़िया चलिए पूछा हुआ है एक क्वेश्चन देखिएगा इस क्वेश्चन का जवाब थोड़ा सा न्यूमेरिकल है सोच के बताना है चालीस किलोग्राम का एक लड़का सीढ़ी पर दौड़ कर चढ़ता है कितने किलो का है भैया गोलू भाई आ गए हैं गोलू भाई आपके सामने खड़े हैं और 40 किलोग्राम का एक लड़का सीढ़ी पर दौड़ कर चढ़ता है 9 मीटर ऊंचे प्रथम तल पर कितना ऊंचाई पर चढ़ता है भैया 9 मीटर 9 मीटर ऊंचाई है प्रथम तल पर आधा मिनट में पहुंचता है लड़के के द्वारा विकसित की गई शक्ति क्या है भैया यहां पर शक्ति अगर पूछेगा तो एम जी एच अपान टी से निकालेंगे एम जी एच मास कितना था चालीस था जी दस ले लो और टाइम पूछ रहा है कितने देर में आधा मिनट का मतलब होता है तीस सेकेंड नहीं समय तो नीचे लिखना है ना तीस सेकेंड आपको नीचे लिखना है और हाइट ऊपर जाएगा नौ मीटर है डिवाइड कर दीजिए जीरो से जीरो तीन से काट दीजिए तीन तरीका नौ तीन एक सौ बीस वाट गड़बड़ हो गया क्या ये जवाब <laughs> एम जी एच एम चालीस है जी का मान दस और एच का मान नाइन यहां पे नीचे एक बार फिर से कर देते हैं देख लेते हैं कि क्या मामला है यहां पर एम कितना है भैया चालीस जी का मान दस हाइट कितना है नौ मीटर और नीचे साठ का आधा मिनट का मतलब तीस सेकेंड होता है तो बिल्कुल जीरो से जीरो काट दीजिए तीन तरीका नौ चालीस या एक सौ बीस भैया एक सौ बीस वाट होगा यहां पर आंसर नहीं मैच कर रहा है मैं एक ऑप्शन बढ़ा दे रहा हूं एक सौ बीस वाट ही होगा मेरे से अगर आपको कुछ और दूसरा आ रहा हो अच्छा चालीस या एक सौ बीस ही तो होता है सात सौ बीस कैसे होगा सात सौ बीस वाट कैसे आ रहा है भैया ऊर्जा पर समय होता है।, उर्जी का मतलब होता है जी का मतलब गुत्वित तवरण है भाई दूसरा यहां पर ऊर्जा अपन त्वरण ऊर्जापन त्वर टी बिल्कुल चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ यहां पूछा है सुरक्षा फ्यूज की कार्य प्रणाली फ्यूज वायर के बारे में आपने सुना होगा फ्यूज वायर का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है लो होता है मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है भैया लो होता है धारा का हाँ निम्नलिखित में से किन किन पर निर्भर होता है धारा का चुंबकीय प्रभाव धारा का रासायनिक प्रभाव धारा का परिमाण धारा का उसमी प्रभाव बहुत ही शानदार सवाल है और इसका सही जवाब आपको चुनना है देखते हैं कौन सा बहादुर इसका सही जवाब चुनता है बिल्कुल क्वेश्चन में वाट लग सके <laughs> ये जवाब बताओ भाई क्या होगा आपको पता है ना फ्यूज वायर पिघल गया तो रासायनिक प्रभाव नहीं होगा चुंबकीय प्रभाव नहीं होगा धारा के परिमाण पे निर्भर करेगा और H बराबर आई स्क्वायर आर इंटू टी यही उसमीय प्रभाव है यानी ऑप्शन नंबर क्या बनेगा C बनेगा तीसरा और चौथा एक इतिहास लिखने वाले में सुबोध जी हैं बिल्कुल रच दिया इतिहास एकदम जबरदस्त जवाब है भैया बड़े कॉन्सेप्चुअल सवाल हैं लेकिन लड़के तोड़ दे रहे हैं क्वेश्चन का दम तोड़ दे रहे हैं आकाश नीला दिखाई देता है पूछा है सवाल आकाश नीला दिखाई देने का क्या कारण है आप जानते हैं ना दृश्य किरणें भैया दृश्य ड़े जो होती हैं, दृश्य क्रीड़े जो होती हैं, इसकी खोज किसने की थी न्यूटन ने की थी और न्यूटन ने की थी और याद रखिएगा <laughs> इसमें विप होता है वायलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो, ऑरेंज और रेड यही होता है विपग्योर आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि इनके उपस्थिति के कारण और आप जानते हैं इसका सही जवाब क्या होगा तो बी सही जवाब है और आज लग रहा है कि भैया कि मजा पढ़ाने में कैसे आता है और जरूर जबरदस्त जवाब आपने दिए हैं बिल्कुल सही है चलिए यदि किसी वस्तु को पानी में डूबी अवस्था में तोला जाए तो हवा में लिए गए भार की तुलना में उसके भार पर क्या प्रभाव होगा भैया बड़ी बढ़िया सवाल दिया गया है इसका जवाब बताइए अगर आपको पानी में तोले और आप सीधी सी बात है जब हाथ को पानी में डालते हैं पानी में हाथ को डालेंगे तो हल्का महसूस होता है यानी पानी में भार क्या होता है कम हाँ भैया बिल्कुल रवि कुमार जी अंतरिक्ष देखने पर काला क्योंकि वायुमंडल नहीं है पूर्णिमा जवाब दो सुबोध जी अमन जी हाँ तैयबा परवीन बिल्कुल बी होगा कह रही है कम होगा बिल्कुल वस्तु को पानी हुई डूबी अवस्था में तोला जाए तो हवा में लिए गए भार की तुलना में कम होता है क्योंकि पानी में थ्रस्ट काम करता है पानी में कौन सा बल काम करता है तो उत्प्लावक बल काम करता है और उत्प्लावक बल वस्तु का द्रव्यमान को क्या कर देता है कम कर देता है तो यहां पर कमी होगी अच्छा यहां पर कमी लिखा है और यहां पर इंक्रीज लिखा है अंग्रेजी में डिक्रीज होगा ये बी ऑप्शन आपका होगा बिल्कुल चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन किसी वक्त हां अब इस क्वेश्चन का जवाब बताएं जो एल की क्लास लिए होंगे और जो साइंस फाउंडेशन का क्लास लिए होंगे वो इसका जवाब दें जवाब दें आज गलत नहीं होना चाहिए यदि किसी वस्तु का पृथ्वी पर भार पृथ्वी पर भार कितना दिया है 36.6 न्यूटन उस वस्तु का मान चंद्रमा पर होगा भैया चंद्रमा पर भार कितना होगा तो पृथ्वी के भार का छ छवां छठवां भाग 36.6 में 6 से भाग दीजिए 6 के 36 कितना आ जाएगा किसके किसके जही है बिल्कुल तोड़ के रख दिए हैं तो भैया उसूलों पर जहां आ चाहे टकराना जरूरी है गर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है बिल्कुल जबरदस्त सभी ने सही किया है सभी को सलाम है भैया चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है विनेगर को पूछा है कि भैया सिरका का अन्य नाम क्या है विनेगर विनेगर के बारे में आप जानते हैं सिरका के बारे में आप जानते हैं प्रिजर्वेटिव है गन्ने के रस से बनाया जाता है प्रिजर्वेटिव है और इसमें कौन सा एसिड पाया जाता है सल्फ्यूरिक टाइट्रिक नाइट्रिक इथेनोइक एसिड क्या पाया जाता है सबके पास टेक्निकल डिग्री है बहुत बढ़िया भैया टेक्निकल डिग्री है तभी तो सब कमाल कर रहे हैं क्या होगा भैया राजेश जी जवाब दीजिए भैया कुलदीप बाबू ए होगा इथेनोइक एसिड ए लाल एसिटिक एसिड होता है और इसी एसिटिक एसिड का आस नाम क्या होता है आयुपीएससी नाम होता है इथेनोइक एसिड भैया सी डबल ओ एच है कार्बोक्सलिक ग्रुप है और जब कार्बो ग्रुप होता है तो नाम के लास्ट में ओइक एसिड जुड़ जाता है और दो कार्बन है तो इथेनोइक एसिड होगा बिल्कुल नाइट्रिक एसिड एच है सल्फ्यूरिक एसिड किंग ऑफ एसिड के नाम से जानते हैं किंग ऑफ एसिड या आयल ऑफ हाँ आयल ऑफ विट्रॉल के नाम से इसको जाना जाता है यही बैटरी एसिड है इस साल पेट में एक सवाल आया हुआ था तो यहां से ध्यान दे देखिएगा टार्ट्रिक एसिड टमाटर में कि इमली में टार्ट्रिक एसिड कहां पाया जाता है भैया हारोन दांत तोड़ेंगे तुम्हारा हम जल्दी जवाब दो ये दोनों बहुत दांत दिखा रहे हैं इनको अभी निकाल के नाक तोड़ रहे हैं इनका बताओ भैया टार्ट्रिक एसिड में कौन सा अम्ल है किसमें पाया जाता है इमली खट्टी मीठे बेर भैया बताओ अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है सही सुमेलित नहीं है और एक इसके लिए चार से पांच सेकंड का जवाब होना चाहिए जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है बहुत बढ़िया लाइन है भाई टमाटर में आग्जेलिक होता है हो रवि कुमार चलिए या इसका जवाब दो <laughs> बहुत बढ़िया तो बहुत सारे बच्चे अंताक्षरी खेलना शुरू कर दिए एक डंडा मंगाया जाए बिल्कुल बिल्कुल चलिए क्या होगा जवाब बोलिए भैया कौन सा गलत है हो भैया नींबू में नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है लेमन में तो ने, हाँ आप जानते हैं ना लेमन जो होता है विटामिन सी का सोर्स है और विटामिन सी को ही हम एस्कार एसिड कहते हैं एस्कार एसिड कहते हैं और सिट्रिक एसिड भी तो आप जानते हैं ये सिट्रिक एसिड यानी पहला लाइन जो है बिल्कुल पूरी तरह से सही है इसका पीएच कितना होता है लगभग दो के करीब होता है माल्टोज एसिटिक एसिड दही में दिया है और यह गलत है सी गलत है ए भाई दही दही में लैक्टिक एसिड होता है वो दही में कौन सा एसिड होता है लैक्टिक एसिड और कौन सा बैक्टीरिया होता है तो लैब लैक्टो एसिड बैसिलस लैक्टो एसिडिक हा लैक्टो एसिडिक बैसिलस बैक्टीरिया इसमें होता है कौन सा बैक्टीरिया होता है तो लैक्टो एसिडिक बैसिलस बिल्कुल जबरदस्त हां भैया राजेश जी क्या होने वाला है वो हो? सी होने वाला आज चीटी में फार्मिक एसिड आईपीएससी नाम इथेनोईक एसिड नेक्स्ट क्वेश्चन धातुएं विद्युत का चालन क्यों करती है पूछा है कि धातु के पास क्या ऐसा है जिसे वो विद्युत का चालन करती है यानी वाई मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी भैया इलेक्ट्रिसिटी किसको कहते हैं तो फ्लो ऑफ चार्ज इज कार्ड इलेक्ट्रिसिटी भैया आवेश के फ्लो ऑफ चार्ज या इसको ऐसे लिख सकते हो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज आवेश का प्रवाह जो है ना यही धारा कहलाती है भैया आई बराबर होता है Q अपॉन टी आवेश का प्रवाह धारा है बताइए आप जानते हैं धातुओं का गलनांक ज्यादा होता है उच्च गलनांक होता है यहां पर क्या हो गया कम गलनांक के कारण भैया उच्च तनन सामर्थ्य के कारण यहां पर मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे मेटल की पहचान होती है कि मेटल में क्या पाए जाते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तो मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और इसी के कारण यही चार्ज कैरियर होते हैं यही क्या होते हैं भैया यही चार्ज कैरियर होते हैं तो मेटल आपके चार्ज कैरियर होते हैं इसका सही जवाब क्या होता है सी होगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ पूछा है जब दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित किए जाते हैं तो 50 ओम आता है यानी जब R1 और R2 को जोड़ते हो तो कितना आता है 50 ओम का मान आता है और जब समानांतर क्रम में जोड़ते हैं तो आठ ओम आता है यानी जब ऊपर गुड़ा कर दोगे नीचे जोड़ दोगे तो इसका मान आ जाता है कितना आठ ओम Okay. जब दो हाँ बिल्कुल बिल्कुल फिर से बता दे रहे हैं कि भैया जब दो प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो उसका मान पचास आ रहा है श्रेणी क्रम में डायरेक्ट जोड़ देते हैं लेकिन जब समानांतर क्रम में लेके जाते हैं तो ऊपर गुड़ा करते हैं नीचे जोड़ देते हैं तो हमारा आंसर इसी में से होना चाहिए ऑप्शन के हिसाब से हम देखते हैं और आंसर कैसा होना चाहिए भैया आंसर ऊपर गुड़ा करते हैं और नीचे जोड़ते हैं तो दस और चालीस को ऊपर गुड़ा किए तो चार हो गया और नीचे जोड़े तो पांच हो गया नीचे जोड़ने पर कितना हुआ पचास हो गया जीरो से जीरो कट गया तो यहां पर सही जवाब आपका आठ आ गया पहले वाले का देखो दस प्लस चालीस जोड़ दिए तो पचास आया और ऊपर कर दिए गुड़ा और नीचे कर दिए जोड़ तो यह देख लीजिए जीरो से जीरो और चालीस बटा पांच यानी आठ आ गया ठीक है तो यह इसका सही जवाब है ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने पूछा है प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों में से किसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है प्रोटीन का निर्माण करना है घर पे प्रोटीन बनाना है खुशियों की बात है चलिए बताइए भैया क्या आएगा बताओ क्या आने वाला है देखिए भैया आप जानते हैं ना कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जब राइबोसोम जुड़ जाता है ना तो राइबोसोम तो का नाम होता है रफ रर। रर मतलब इंडो रेटिकुलम और यही प्रोटीन का निर्माण करता है तो जिस बच्चे को यह दिमाग में होगा वो कहेगा अंत द्रवी परिजलिका और राइबोसोम होगा सर और राइबोसोम ही एक ऐसा आंसर है जो ट और यू कैरियाट दोनों में पाया जाता है तो एक सवाल का जवाब मैं पूछना चाहता हूं आज के स्टूडेंट से कि भैया प्रो राइबोसोम कौन सा होता है 70S होता है कि एस प्रो राइबोसोम कौन सा होता है जवाब दीजिएगा और यू राइबोसोम कौन सा होगा प्रो और यू कैरियाटिक राइबोसोम कौन से होंगे प्रो और यू कैरियाटिक राइबोसोम कौन से होंगे क्या होगा प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70S राइबोसोम होता है और यू कितने होते हैं 80S राइबोसोम होते हैं क्लियर है, है? चलिए बहुत बढ़िया यहां पर पूछा है अनुवांशिकी का जनक किसे कहते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स अनुवांशिकी का जनक बताइए भैया पूर्णिमा एकदम तगड़ा है बहुत बढ़िया बहुत सारा आशीर्वाद भाई बताओ क्या होगा डार्विन ने किताब लिखी थी ओरिजिन ऑफ याद नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी दिए थे किसने दी, दी थी सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की चलिए दूसरी बात यहां पर सही जवाब ग्रेगर जॉन मेंडल है आप जानते हैं मेंडल होगा बिल्कुल सही जवाब अच्छा मॉडर्न अगर सवाल पूछ देता फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स तो क्या बोलते हैं आप मॉडर्न जेनेटिक्स के पिता कौन है तो टीएच मॉर्गन है मॉडर्न जेनेटिक्स के पिता कौन है भैया टीएच मॉर्गन बिल्कुल पूर्णिमा बिल्कुल भैया प्रियम यादव जी बिल्कुल लेकिन अगर फादर ऑफ म्यूटेशन पूछ देता उत्परिवर्तन के पिता फादर ऑफ म्यूटेशन म्यूटेशन का मतलब है उत्परिवर्तन उत्परिवर्तन के पिता कौन होंगे तो ह्यूगो डीवरिज होंगे जो आप देख रहे होंगे ह्यूगो ब्रिज की बात ये होंगे फादर ऑफ म्यूटेशन कौन होगा तो ह्यूगो डी ब्रिज होंगे बिल्कुल बिल्कुल पूरी बात ध्यान से समझिएगा कौन होगा ह्यूगो ब्रिज होंगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक मनुष्य के हाल का माने सबसे करीबी का पूर्वज कौन है द मोस्ट रिसेंट एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न मैन थीरी चैप्टर वापस वैसे कब मिलेगी अच्छा पहले शुरुआत में थीरी दी जा रही थी अभी बीच में स्वास्थ्य वजह से थ्योरी को बंद किया गया है सर आपकी तबीयत खराब हो गई थी बिल्कुल अब तो ठीक हो गई है अब हम खड़े हो गए हैं अब कुटाई शुरू हो गई बिल्कुल पूर्णिमा सबका हालचाल बढ़िया अंकित बाबू बिल्कुल जबरदस्त चलिए वापस शुरू करेंगे चलिए क्या होगा क्रोमैग्नन नियंडरथल और पेकिंग मानव इसका सही जवाब क्या है तो सभी को पता है क्रोमैग्न बिल्कुल जबरदस्त चलिए अगला क्वेश्चन है नर लिंग हार्मोन क्या है मेल सेक्स हार्मोन किसे कहते हैं मेल सेक्स हार्मोन आप जानते हैं मेल सेक्स हार्मोन अगर मेल की बात अगर हम करें रिप्रोडक्टिव सिस्टम में तो प्राइमरी सेक्स आर्गन कौन सा है तो मेल का प्राइमरी सेक्स आर्गन टेस्टीज होता है वृषण बोलते हैं क्योंकि इसी वृषण से आप जानते इसी में एस्पर्म का निर्माण होता है शुक्राणु का निर्माण होता है और इसका टेम्परेचर आप जानते हैं 35 डिग्री सेंटीग्रेड होता है शरीर के ये बाहर होता है और यहीं पर एक हार्मोन की सिंथेसिस होती है जिसका नाम है टेस्टोस्टिरोन और इसी को हम कहते हैं मेल सेक्स हार्मोन क्या कहते हैं भैया मेल सेक्स हार्मोन के नाम से जानते हैं बिल्कुल तो इसका सही जवाब क्या होगा टेस्टोस्टिरोन प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन जो है ये फीमेल सेक्स हार्मोन है ये कौन से हार्मोन है फीमेल सेक्स हार्मोन है तो भैया इन दोनों को फीमेल सेक्स हार्मोन कहेंगे और एक जवाब ये बता दो प्राइमरी सेक्स आर्गन फीमेल में क्या होता है फीमेल का प्राइमरी सेक्स आर्गन क्या है फीमेल में प्राइमरी सेक्स आर्गन बताइए जवाब दीजिए फीमेल में प्राइमरी सेक्स आर्गन क्या होगा बताइए फीमेल में ओवरी होगा कि यूटेरस होगा कि क्या होगा प्राइमरी सेक्स आर्गन फीमेल में क्या बनने वाला है कोई जवाब नहीं आया बिल्कुल पता नहीं है भूल गए हैं सभी लोग याद रखिएगा फीमेल हाँ अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाते हैं तो ये यूटेरस होता है लेकिन ये प्राइमरी सेक्स आर्गन नहीं है प्राइमरी सेक्स आर्गन यहां पे होता है जिसका नाम ओवरी है और ओवरी जिसको हम अंडाशय के नाम से जानते हैं अंडाशय की संख्या कितनी होती है दो होती है यही ओवरी है बिल्कुल क्या होगा यूटेरस यूटेरस गर्भाशय जिसको बोलते हैं यह प्राइमरी सेक्स आर्गन नहीं है और यह फेलोपियन ट्यूब है अगर हम पूछ देते भैया अंडाशय हाँ यह है प्राइमरी सेक्सार्गन अगर हम आपसे पूछ देते कि भैया फर्टिलाइजेशन कहां होता है निषेचन कहां होता है बताइए मेल में फीमेल में निषेचन कहां होता है फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जो है कहां पे होती है फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कहां होता है बताइए फर्टिलाइजेशन कहां होता है फेलोपियन ट्यूब में ओवरी में होता है कि कहां होता है फेलोपियन फर्टिलाइजेशन कहां होता है फर्टिलाइजेशन फेलोपियन ट्यूब में बिल्कुल जबरदस्त भैया फेलोपियन ट्यूब में होता है तो ये बात ध्यान से देखिएगा फेलोपियन ट्यूब में क्या होता है निषेचन की घटना देखने को मिलती है बिल्कुल बिल्कुल भैया अंकित जी बिल्कुल एक सवाल और है मां के शरीर के अंदर बच्चे के विकास के मामले में लगभग कितने महीने लगते हैं यानी गर्भकाल कितने दिन का होता है ह्यूमन का मनुष्य का गर्भकाल कितने दिन का होता है गेस्टेशन पीरियड आप जानते हैं गर्भकाल जिसको गेस्टेशन पीरियड के नाम से जानते हैं हम लोग गेस्टेशन पीरियड कितना होता है मनुष्य का गर्भकाल भैया नौ मंथ का होता है आप जानते हैं ना कितने महीने का होता है नाइन मंथ का गेस्टेशन पीरियड होता है ठीक ना नाइन मंथ का क्या होता है गेस्टेशन पीरियड होता है बिल्कुल बिल्कुल अच्छा अगर हम आपसे एक सवाल पूछे तो <laughs> आप एक, एक सवाल होता है जिसमें अम्लाइकल कार्ड के बारे में एक सवाल पूछ रहे अम्बलाइकल कार्ड क्या है कोई बताएगा गर्भ नाल क्या है गर्भ नाल क्या है मां और बच्चे के बीच के कनेक्शन को क्या कहते हैं प्लेसेंटा भी आप जानते हैं प्लेसेंटा इससे जुड़ा होता है तो मदर और फिटस के बीच का जो कनेक्शन होता है कनेक्शन बिटवीन मदर एंड फिटस कनेक्शन बिटवीन मदर एंड फिटस जो होता है म, हा मदर और फिटस के बीच का जो कनेक्शन होता है उसी को हम क्या कहते हैं कहते हैं बिल्कुल इसको ध्यान पे रखना है कहते हैं चलिए <laughs> ध्यान पेश को रखिएगा इसी को हम के नाम से जानते हैं चलिए दो तीन सवाल और दे देते हैं जल्दी जल्दी जवाब देना है रैपिड फायर लेके चलते हैं इसे जवाब आने चाहिए चलिए शुरू करते हैं बहुत तेजी से सवाल करना है आप लोगों को सबसे बड़ी बात आपको यह रहा है केमिस्ट्री के सवाल थ्रू कर रहा हूं चलिए सबसे छोटा तत्व तेजी के साथ जवाब देना है आपको सबसे छोटा तत्व क्या होता है सबसे छोटा तत्व कौन है एस्मालेस्ट एलिमेंट कौन है सबसे छोटा धातु ये दोनों सवाल का जवाब सबसे छोटा तत्व और सबसे छोटा धातु जल्दी से जवाब देना एकदम रैपिड फायर की तरह बिल्कुल बताइए क्या होगा सबसे छोटा हाँ बताइए क्या होने वाला है सबसे छोटा तत्व क्या होगा हाइड्रोजन होगा सबसे छोटा तत्व क्या होगा हाइड्रोजन और सबसे छोटा धातु कौन होगा लिथियम होगा चलिए तीसरा सवाल सबसे बड़ा धातु कौन होता है सबसे बड़ा धातु कौन होता है सबसे बड़ा धातु का जवाब दीजिएगा सबसे क्रियाशील धातु कौन होता है चौथा सबसे क्रियाशील धातु कौन होता है सबसे क्रियाशील धातु कौन होता है मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन है सबसे बड़ा धातु कौन है सबसे बड़ा धातु जबरदस्त बहुत तगड़ा बहुत जबरदस्त सबसे बड़ा धातु कौन है सीजियम सबसे क्रियाशील धातु कौन है सीजियम सबसे क्रियाशील धातु कौन है सीजियम अच्छा सबसे मुलायम धातु कौन है मुलायम धातु वो कौन सा ऐसा धातु है जो मुलायम है मुलायम धातु कौन है मुलायम धातु कौन है भैया बता दीजिए और यह बता दीजिए किस मेटल को केरोसिन में स्टोर करते हैं स्टोर इन केरोसिन किस धातु को केरोसिन आयल में स्टोर करते हैं किस धातु को केरोसिन आयल में स्टोर करते हैं भैया सोडियम होगा बिल्कुल सोडियम और पोटेशियम जो है मुलायम धातु है क्रियाशील ज्यादा होते हैं चलिए किसको हम स्टोर करते हैं भैया हाँ बिल्कुल आप जानते हैं ये भी सोडियम ही होता है अच्छा आप जानते हैं रेड लिक्विड नॉन मेटल क्या है रेड लिक्विड नॉन मेटल लाल अधात हां लाल तरल अधातु किस तत्व को कहते हैं लाल तरल अधातु किस तत्व को कहते हैं लाल तरल अधातु लाल तरल अधातु किस तत्व को कहेंगे ब्रोमीन को कहेंगे ब्रोमीन को कहेंगे और अगर हम आपसे पूछ दे क्विक सिल्वर किसको कहते हैं क्विक सिल्वर क्विक सिल्वर के नाम से कौन सा मेटल जाना जाता है क्विक सिल्वर स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल कौन सा है सबसे मजबूत धातु कौन है स्ट्रांगेस्ट मेटल सबसे मजबूत धातु सबसे मजबूत धातु कौन है स्ट्रांगेस्ट मेटल टंगस्टन है सबसे मजबूत धातु टंगस्टन है भैया टंगस्टन है और क्विक सिल्वर मरकरी है पारा है लिक्विड ना, लिक्विड ना कौन है पारा बहुत बढ़िया लिक्विड मेटल कौन है तो लिक्विड मेटल भी पारा ही है लिक्विड मेटल भी मरकरी ही है चलिए बहुत सही जवाब दिया आपने लिक्विड मेटल भी क्या है मरकरी ही है चलिए एक और जवाब अवारा धातु अवारा तत्व किसे कहते हैं हूं जो भी हूं आसमान का तारा हूं आवारा हूं बताइए कौन है भैया आवारा तत्व के नाम से कौन जाना जाता है आवारा तत्व के नाम से कौन जाना जाता है हाइड्रोजन जाना जाता है बिल्कुल सबसे स्थायी धातु कौन है सबसे स्थाई धातु कौन है सबसे स्थायी धातु मोस्ट स्टेबल एलिमेंट कौन है हीलियम सबसे स्थायी धातु कौन है तो हीलियम है बिल्कुल बहुत बढ़िया जबरदस्त बहुत बढ़िया चलिए एक और जवाब एक और जवाब आपको बताना है भैया सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व कौन है सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व कौन है <coughs> अगर वायुमंडल कहेगा ध्यान से सुनिएगा तो आपका जवाब होगा क्या नाइट्रोजन लेकिन अगर अर्थक्रष्ट कहेगा पृथ्वी के भूपरपटी में भूपरपटी में कौन है तो भूपरपटी में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व तो कौन है तो ऑक्सीजन है अगर धातु कहेगा बिल्कुल अच्छा कपिल कुमार जी एक बार कोचिंग ने अपना रिलीज किया है कट का आप एक बार जाके वहां मैच करा लीजिए ठीक है तो चलिए दोस्तों इसी के साथ आज की रथ यात्रा जो है आज का ये जो बिगुल है यहीं पर समाप्त होता है कल दोबारा मिलेंगे और याद रखना है कि वक्त को जिसने नहीं समझा उसे मिटना पड़ा है बच गया तलवार से तो फूल से कटना पड़ा है क्यों न कितना भी बड़ा हो क्यों न कितना भी कठिन हर नदी की धार से पत्थर को टूटना पड़ा है मुश्किलों को टूटना पड़ा है बिल्कुल तो बिल्कुल आपके अंदर वो मादा है कि आप अपनी सफलता को आप अपनी मंजिल को खुद के बदौलत पा सकते हैं साथ बस हमारा है मार्गदर्शन के साथ पूरी तरह से आपके मंजिल तक एमडी क्लासेस की टीम आपको लेके जाएगी तो जय हिंद साथियों जस्ट इसके बाद आपकी क्लास होने वाली है बिल्कुल आप सुबह से लगातार ए की क्लास देखते हैं इसके जस्ट बाद आपकी जीएस की क्लास है बिल्कुल लगे रहिए भैया पूर्णिमा बिल्कुल मस्त रहिए हाँ जैनुद्दीन जी प्रियम जी सभी लोगों से विदा लेते हैं दोबारा कल मुलाकात होगी आप लोगों के इंतजार रहेगा बिल्कुल सुबह यही समय होगा दस से ग्यारह का साइंस का नौ बजे मैथ का आप ऐसे ही लगे रहिए जय हिंद साथियों